नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हमारे पास है एस क्रॉस, और सबसे अच्छी बात यह है कि एस क्रॉस का 1.6 वेरिएंट है। और इस गाड़ी के बारे में टोटल बताऊंगा, इसको चला के भी दिखाऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या ऐसी अच्छी बात थी इस गाड़ी में। तो सबसे पहले जो 1.6 इंजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका बोनेट खोल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो इंजन है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और काफ़ी मेंटेन करके रखी है इन्होंने ये गाड़ी, बिल्कुल नई कंडीशन में ऐसा लगता है। और कंपेयर करें 1.3 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये इंजन, और यहाँ पर कोई स्पेस भी नहीं बचता इस गाड़ी में। तो इसको चला के भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी देखेंगे कि कितना माइलेज देती है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो इसमें अभी मिशलिन के जो टायर लगे हैं उसकी कैसी परफॉर्मेंस है ये भी देखेंगे। और ये लगा हुआ है मिशलिन प्रीमेसी, और इसकी जो कीमत है लगभग एक टायर की 9700, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 10,000 रुपये है। तो चलिए सबसे पहले इस गाड़ी को चला के देखते हैं। तो आ गए हम जी इस गाड़ी के अंदर, और सबसे अच्छी बात है आपको बैठने में फील नहीं होगा कि ये 1.6 है और या फिर 1.3 है। तो सीट बेल्ट सबसे पहले लगी होनी चाहिए आपकी। तो साथ में हमारे राकेश जी भी, इनसे मैं सवालात पूछते रहूँगा जहाँ जहाँ पर भी मैं फंसूँगा, जहाँ जहाँ पर मैं डाउट होगा मुझे। तो ये लो जी इंजन इसका स्टार्ट हो गया, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर जो है ट्रिप है 240 किलोमीटर की, और इसमें जो माइलेज शो कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर लीटर का शो कर रहा है। और राकेश जी ने मेरे को बताया कि ये एक्चुअल माइलेज है, इन्होंने टैंक टू टैंक मेथड से भी चेक कर रखा है ये इतना माइलेज एक्चुअल में देती है। और इनका जो रन है वो गुड़गांव से नोएडा का रहता है, इतना लंबा रन रहता है। तो चलिए अब चला के देखते हैं इस 1.6 लीटर के डीजल इंजन को। तो इस इंजन का ना बिहेवियर ही अलग है 1.3 डीजल से। अभी फ़िलहाल एसी के साथ हम लोग चला रहे हैं इसको, और राकेश जी बता रहे थे कि एसी में ही चलते हैं ये मैक्सिमम, और उसके बाद जो है ये माइलेज निकालती है गाड़ी। ओह माय गॉड, टर्बो जब स्पूल होता है ना तो इसकी कहानी कुछ और होती है, इसकी जो पुलिंग है वो काबिले तारीफ है। तो अभी हम इसको हाईवे पे लेके जाएंगे क्योंकि ये हाईवे में चलाने वाली गाड़ी है। तो बात अगर टर्बो लैग की करें तो सेकेंड गियर में अभी मैं हूँ, और देखने को मिलता है यहाँ पर टर्बो लैग। तो ये रही NH8 ऊपर, तो इसी में जाएंगे हम। और टायरों की अगर मैं बात करूँ, टायर काफ़ी साइलेंट है यार इसके, और ज़रा सी भी रोड नॉइज़ नहीं है। अभी हाईवे में पता चलेगा, थोड़ी सी तेज़ स्पीड में भी चेक करेंगे। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मेरी जागी जब राकेश जी ने बताया कि इसके टायर जो हैं चेंज कर रहे हैं स्टॉक टायर से मात्र 24,000 किलोमीटर में, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील होता था, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी उतनी अच्छी नहीं थी उन टायरों के साथ, और रोड नॉइज़ भी अच्छी खासी थी, है ना। मैं एक चीज करेक्ट करूंगा, मैंने 15,000 में ही चेंज कर दिए। अच्छा, 15,000 में ही चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही खराब। अच्छा, 24 तो ये चली है ना टोटल। ओहो, सॉरी। वाह, बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, काफी कुशनी टाइप के टायर हैं ये, ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, घिस तो नहीं जाएंगे जल्दी। वो तो टाइम पे अच्छा जी। और यहाँ पर टर्बो लैग का आनंद लेते हुए चौथे गियर में हूँ। शेर की तरह दहाड़ता हुआ इंजन, वैसे 1.6 से तो काफी ज्यादा पंची इंजन है यार ये। जैसा कि गाड़ी अभी 60 की स्पीड में चल रही है, और रोड नॉइज बिल्कुल जीरो। मैंने 0.1 आपका माइलेज कम कर दिया है, 19.9 हो गया। ये देखो टर्बो स्पूल अप होने के बाद, और साथ ही साथ हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है यार इस गाड़ी की। ये इंजन देना चाहिए मारुति को अभी भी एज ऑप्शन, और
शायद ही 1.6 की BS6 की टेस्टिंग भी कर रहे थे कहीं देखा मैंने। अब पता नहीं हो कितनी बात सही है कि वो आएगा या नहीं आएगा, बट ये इंजन से ऐसा लगता है कि एस क्रॉस जहाज है। ये देखो टर्बो लैग यहाँ पर, लेकिन स्पूल होने के बाद ये देखो ना यार, अभी ये प्यार से 120 पहुंच गई है और सुपर स्टेबल। और जरा सा भी बॉडी रोल नहीं है इसमें, साला आज ही हाईवे भरना था ये है। तो अब मैं इसको देखना चाहूँगा, ये जो है सिक्स गियर में 100 में कितना चलती है। सिक्स गियर है और यहाँ पर पहुँची है 100 और लगभग 1800 RPM के आसपास ही चलती है। तो अगर हाईवे पे आप इसमें लंबा चलते हैं एक कांस्टेंट स्पीड में लगभग 100 के आसपास, तो आपको एक अच्छा खासा माइलेज भी निकाल के देगी। राकेश जी इसको निकालना मत कभी भी गलती से। वाकई में देखो ना यार, टर्बो स्पूल हो रहा था, मैं तो सीट से चिपक जा रहा हूँ बिल्कुल। ये तेज स्पीड में जो स्टीयरिंग है उसमें भी अच्छा खासा वेट मिलता है, जिससे कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ पर अगर बात करें, फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, 60 की स्पीड है, गाड़ी के RPM में 1500, यहाँ तक ये लेजी है। इसके बाद जो है जब ये स्पूल अप होता है उसके बाद ही हो जाती गोली। वाकई में यार मानना पड़ेगा भाई साहब, चढ़ाई है ये हल्की सी क्योंकि फ्लाईओवर है आगे। यार मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस प्राइस रेंज में इस टाइप की चलने वाली गाड़ी को देखकर। और चल तो अच्छी रही है, काफ़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन माइलेज भी अच्छा खासा। वैसे मैंने थोड़ा सा और गिरा दिया आपका माइलेज। जरा सी भी गाड़ी के अंदर नॉइस नहीं है, ना रोड नॉइस है ना ही रैटलिंग नॉइस है। उस टाइम पर मारुति का सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है मेरे को। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी जो है स्लीक है। तो ये है थर्ड, फोर्थ 120 सुपर, यार सुपर। टायर भी काफी सॉफ्ट हैं। इसके अंदर उतनी नॉइज भी नहीं है डीजल इंजन की यार, साइलेंट केबिन है बिल्कुल। अब ये इंजन रिफाइन है या फिर, क्योंकि इसमें जो इंजन तो बाहर से तो बहुत आवाज करता है। हाँ, केबिन की इंसुलेशन आ जाती है बाहर से इंजन अगर आप सुनो तो। किसकी? इनोवा जैसे। इन टायर की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। और यहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो है काम दे रहा है मेरे को। हाँ, ये भी मैंने इसीलिए लगवाया था। मेरे तो चोर दिए बच्चों ने यार। ऐसे निकल जाते हैं ना ये। सुपर यार। इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में। क्रेटा का भी इतना अच्छा इंजन परफॉर्मेंस नहीं है। उसका टॉर्क आई थिंक 260 है मैक्सिमम। हाँ, 20% कम है। और यू नो शेप उसकी बॉक्सी शेप है। हाँ, और बॉडी वेट आई थिंक इतना ही हुआ है, थोड़ा फालतू ही होगा। तो वैसे टेक्निकली भी वो नहीं कर पाएगी ज्यादा। इसको क्या हो रहा है यार, ये क्यों टकरा रहा है इधर किनारे? जो आपने बताया था ना उस चीज से मैं काफी इम्प्रेस हूँ फोर्थ गियर में, जो एक्सेलरेशन 60 to 120।
एग्जैक्टली वही यूज होता है सिटी में, अगर मूविंग ट्रैफिक है तो ओवरटेकिंग में सुपर स्टेबल। बॉडी वेट अगर बात करें ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा इंजन भारी हो जाता है लेकिन जो बॉडी का साइज है, बॉडी का वेट है वो सेम है जो 1.3 में आता है। बस पंजा दबाओ, टर्बो की रेंज में होनी चाहिए गाड़ी और गोली की तरह निकल जाती है। अभी 130 है, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। मारुति जब इसको लेकर आई थी तो लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मजबूरन बंद करना पड़ा। पहले तो 3 आते थे वेरिएंट, उसके बाद इन्होंने 1 कर दिया, सिर्फ टॉप मॉडल में आया करता था जो कि अल्फा हुआ करता था। और उस दौरान ही लिए ना आपने ये गाड़ी जी? बेसिकली डीलर ने भी हमको ये बताया था कि जिन लोगों को पावर की वजह से गाड़ी पसंद आती है वो टॉप वेरिएंट ही लेते हैं। पहले गियर में आपको टर्बो लैग बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, लेकिन आप सेकंड में थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। और जब आप ट्रैफिक में डाउन शिफ्ट करते हैं उस टाइम पे तो खासकर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हो भी सकता है कि ये बंद हो जाए। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैंने फ्लाईओवर से जो है एग्जिट किया था, क्योंकि आदत है हमें पेट्रोल इंजन चलाने की। खैर जब आप यूज टू हो जाते हो तो आपको पता रहता है कि ऐसा नहीं करना है। और जम के चलती है, एस्क्रॉस की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी। लेकिन ये जो वाला बम था ना, और गाड़ियां उछल जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये बड़े प्यार से निकल गई यहाँ पे। बाकी ये छठा तो मेरे हिसाब से जो है ये 60-65 की 70 की स्पीड में तो कामयाबी नहीं है। ये लगभग इसमें 1200-1300 RPM में चल रही है और जो है कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इंजन का, क्योंकि वो वहाँ पर उस रेंज में टर्बो लैग है। और दूसरा पांचवे गियर में भी ये 70 की स्पीड में 1500 RPM पे चल रही है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा स्पीड गेन करने में। और ये सारी चीज़ें जो मैं चला रहा हूँ गाड़ी, एसी ऑन ही है, एसी को मैंने बंद नहीं करा है, उसके बावजूद जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। खैर इंजन बड़ा हो तो एसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो राकेश जी मजा आ गया इस गाड़ी को चला के ना, और वो भी जो है इतनी अच्छी तरीके से आपने मेंटेन कर रखी, प्रॉपर ख्याल रखते हैं और साफ सुथरी कंडीशन में आपको दिख रही होगी ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ। बाकी केबिन में जो है नॉइज बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि डीजल इंजन है, हम एक अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं। तो बहुत ही नहीं तो क्लैटरिंग की आवाज़ आती है 1.3 में, साफ पता चलता है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका ना बैक सीट स्पेस देख लेता हूँ। आप बैठे रहिए, आप परेशान मत होइए। तो ये मेरी सिटिंग पोजीशन है और तो पीछे भी साफ सफाई है, ऐसा लग रहा है कि आज ही धुला के लाए हैं। थोड़ा सा ये मैंने नीचे कर रखा है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ तो स्पेस भी अच्छा खासा है और हेडरूम भी मेरे को अच्छा खासा ऊपर मिल रहा है। और जो है यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ, और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ये हैंड रेस्ट है, हेडरेस्ट मत सुनना है। स्पेस जो कि अच्छा खासा है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस गाड़ी को चला के, और मतलब दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी पावर है इस गाड़ी में और बहुत अच्छा पिकअप भी है, और साथ ही साथ माइलेज भी ठीक ठाक निकाल के आपको दे देती है, और कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, और जिस स्पीड से आप इसको चलाते हैं तो उस हिसाब से अच्छा खासा जो है स्टेबल है ये गाड़ी। और साथ ही साथ ब्रेकिंग भी अच्छी है, और साथ में जो मिशलिन के जो ये वाले टायर हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।